बुधवार को आईपीएल के 12वें सीजन में अपने ही घर में ईडन गार्डन्स में खेलते हुए मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स अपने आर फैक्टर के दम पर पंजाब से पार पाने में कामयाब रही। अपने मालिक सुपरस्टार शाहरुख खान की मौजूदगी और दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम में किंग्स इलेवन पंजाब को 28 रनों से केकेआर की टीम ने मात दे दी। पंजाब के सामने जीत के लिए 219 रन जैसा भारी भरकम लक्ष्य था, लेकिन वो 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 190 रन ही बना सकी। पंजाब को शुरुआत में ही तब बड़ा झटका लगा जब केएल राहुल सिर्फ 1 रन बनाकर चलते बने। उसके बाद पिछले मैच में 79 रन बनाकर आईपीएल में एक बार फिर से धमाकेदार शुरुआत करने वाले क्रिस गेल 20 रन बनाकर रसेल के शिकार हुए। रसेल ने इसके बाद सरफराज खान को सस्ते में निपटा दिया। सरफराज खान 13 रन बना सके वह तो मयंक अग्रवाल ने अगर 58 रन और डेविड मिलर ने 59 रनों की पारी ना खेली होती तो हालात और भी खराब हो जाती। आंद्रे रसेल ने 21 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। इससे पहले कोलकाता के लिए आर फैक्टर साबित हुए नितेश राणा और रवि नुथप्पा और आंद्रे रसेल। दरअसल टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने का दावत का कोलकाता ने जमकर लुफ्त उठाया। उसने नितेश राणा के 63 रन, रवि नुथप्पा के 67 रन और आंद्रे रसेल के 48 रनों की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 218 रन बनाए। वैसे इससे पहले सुनील नारायण ने सलामी बल्लेबाज के तौर पर केवल 9 गेंदों में 3 छक्के की मदद से 24 रन बनाकर संकेत दे दिया था कि आर अश्विन के गेंदबाजों का इस मैच में क्या हाल होने वाला है। पंजाब के गेंदबाजों ने इस मैच में 17 छक्के खाए। इस मैच में कोलकाता के कप्तान दिनेश कार्तिक ने नितेश राणा को सलामी बल्लेबाज के जगह मध्यक्रम में उतारा। उनका दाव सही पड़ा। नितेश राणा लगातार दूसरे मैच में 60 से अधिक रन जोड़कर कोलकाता को जीत में अपना अहम योगदान दिया। मिड विकेट पर लंबे लंबे शॉट लगाने वाले नितेश राणा को साल 2015 में खिलाड़ियों की नीलामी में मुंबई इंडियंस ने केवल 10 लाख रुपए में खरीदा था। हालांकि नितेश राणा को तब आईपीएल में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था। नितेश राणा का आखिरकार इंतजार खत्म हुआ 2017 में। उन्होंने उस सीजन में 13 मैच में 333 रन बनाए थे। उसी दौरान शुरुआती मैच में मुंबई की जीत में उनका अहम योगदान रहा था। उनके प्रदर्शन में तब मुंबई के कोच रिकी पॉन्टिंग ने कहा था कि नितेश राणा अगर भारत की T20 टीम में खेलते हुए नजर आते हैं तो उन्हें कोई आश्चर्य नहीं होगा। उनकी तारीफ माइकल क्लार्क ने भी की थी। नितेश राणा के लिए पिछला आईपीएल भी बेहद कामयाब रहा था। उन्होंने 2018 में 15 मैचों में 304 रन बनाए थे। नितेश राणा के अलावा कोलकाता के रवि नुथप्पा का कमाल देखने को मिला। रवि नुथप्पा ने 50 गेंदों पर 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 67 रन बनाए। रवि नुथप्पा ने अपनी पारी के दौरान जब साझेदारी दिखाई तब उन्हें आंद्रे रसेल का साथ मिला। उन्होंने अधिकतर स्ट्राइक आंद्रे रसेल को दी। उन्हें मालूम था कि ताकतवर रसेल का बल्ला पंजाब पर भारी पड़ेगा और ऐसा ही हुआ। रसेल ने नितेश राणा के आउट होने के बाद मोर्चा संभाला। रसेल ने मैदान पर उतरते ही दिखा दिया कि T20 में वो क्या कर सकते हैं। उन्होंने केवल 17 गेंदों पर 3 चौके और 5 छक्कों के सहारे 48 रन बना दिए। पारी के 19वें ओवर में उन्होंने स्टेडियम में तूफान मचा दिया था। यह ओवर यॉर्कर के माहिर मोहम्मद शमी कर रहे थे। रसेल ने उनके लगातार 3 गेंदों पर छक्के उड़ाए। चौथी गेंद पर उनके बल्ले से चौका निकला। रवि नुथप्पा और रसेल के बीच चौथे विकेट के लिए 67 रनों की साझेदारी हुई। रसेल ने इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ केवल 19 गेंदों में 49 रन बनाकर नाबाद रहे थे। इस तरह उन्होंने एक बार फिर से अपनी पुरानी पारी को दोहराया। उनके शॉट की टाइमिंग इतनी जबरदस्त थी कि पंजाब के फील्डर्स बस देखते ही रह गए। आखिरकार वो एंड्रयू टाई की गेंद पर छक्का लगाने की कोशिश में ठीक बाउंड्री लाइन पर मयंक अग्रवालों के हाथों लपके गए। वैसे इस मैच की टर्निंग पॉइंट तब आया जब मोहम्मद शमी की गेंद पर आंद्रे रसेल बोल्ड हो गए थे लेकिन गेंद नो बॉल निकली थी। दरअसल पंजाब के केवल 3 ही फील्डर सर्कल में थे जबकि वहां 4 होने चाहिए थे। यह कप्तान के रूप में आर अश्विन की सबसे बड़ी भूल थी और इसी बड़ी भूल की वजह से आंद्रे रसेल का तूफान आया। उन्होंने 48 रनों की बेहतरीन पारी खेली और कोलकाता नाइट राइडर्स को मैच जिताने में एक अहम भूमिका निभाई। बस यहीं से मैच पंजाब के हाथों निकल गया था। तब रसेल केवल 3 रन बनाकर खेल रहे थे और पारी का यह 17वां ओवर चल रहा था। इसके बाद जो कुछ हुआ वो पूरा स्टेडियम देखा। मैच के बाद पंजाब के कप्तान आर अश्विन ने अपनी गलती स्वीकार की लेकिन तब तक चिड़िया खेत चुक गई थी। यह कोलकाता की लगातार दूसरी जीत थी। गुरुवार को आईपीएल 12 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
अपने ही घर में मुंबई इंडियंस का सामना करेगी। देखना होगा कि यहाँ पे किस तरीके से आरसीबी और मुंबई इंडियंस मैच खेलती है। नेक्स्ट न्यूज से लव कुमार की रिपोर्ट।